ये है नज़ारे। तो सुबह की चाय चल रही है यहाँ पे, और वो भी सुबह की चाय, और ये है वेदर। वाओ, चलिए चाय के बाद मिलते हैं। सनराइज कितने बजे होता है? सनराइज सनराइजर हैदराबादी सनराइज। हाँ, नहीं आएगी ना, सुबह आ जाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आज लग रहा है आज मिस हो गया हमारा सनराइज, बट यही वेदर है, बहुत ही खूबसूरत। ये पेड़, ये देखिए गाइस, ये जो पेड़ लगे हुए हैं सारे सेब के पेड़ हैं। अगर मौका मिला तो मैं दिखा पाऊँगा आपको कि सेब कैसे लगे हुए हैं, छोटे छोटे सेब लगे हुए हैं, और ये पूरे इस तरफ भी सेब लगे हुए हैं जो मैंने वेदर दिखाया आपको, और इस तरफ रोड के उस तरफ ऊपर भी लगे हुए हैं। और अभी ये भैया जा रहे हैं गाय चराने के लिए, देख सकते हैं। खड़ी है हमारी बाइक के। और हम थोड़ा सा आगे आए हैं, और ये देखिए इसके सामने का जो व्यू है, वाओ, व्हाट अ व्यू, क्या ही वेदर है। देख सकते हो सारे जो जितने भी दिख रहे हैं आपको सेब के पेड़ हैं, ये सारे जितने भी पॉलिथीन से ढके हुए हैं ये सारे सेब के पेड़ हैं। और ये देखिए ऊपर वेदर क्या शानदार हुआ है, बिल्कुल बारिश ही बारिश है ऊपर। तो इधर हमारे साथ ही तैयार हो रहे हैं, कुछ देख सकते हो यू यू। बीच में रुके हैं और यहाँ पे एक वाटरफॉल है, देख सकते हो कितना ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल ठंडा पानी, चिल्ड है, बिल्कुल बिल्कुल चिल्ड पानी है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बर्फ़ का पानी, बिल्कुल चिल्ड आता है ऊपर से, और पीने लायक बिल्कुल साफ पानी। फाइनली गाइस हम नारकंडा पहुंच चुके हैं, रेस्टोरेंट में बैठे और मेरे साथ इंद्रजीत जी, और ये हमारे साथ लक्ष्य पराठे, और बाकी दोस्तों से और मिलाता हूँ मैं आपको, और बाकी भैया भी बैठे हुए नीचे, चलिए दिखाते हैं। भैया लोग राइडर हैं हमारे साथ, ये भी चल रहे हैं, तो बताइए भैया आपका नाम? जगजीत। जगजीत, और भैया आपका? लोकेश फ्रॉम गुड़गांव। लोकेश फ्रॉम गुड़गांव, तीनों जने के पास डोमिनार है, और 18, 19 और 20 भाई लोगों के लिए साथ जा रहे हैं। हाँ, एक बोला चाय की चुस्की। देखिए ये है व्यू रेस्टोरेंट के ऊपर से, बहुत ही अद्भुत शानदार है। कुछ नारकंडा के बाहर का व्यू देख सकते हो, काफ़ी प्यारा है नारकंडा, और बहुत ही अद्भुत लग रहा है। ये नारकंडा के मार्केट्स हैं, इस तरफ भी मार्केट है, उस तरफ भी मार्केट है, और आगे से भी मार्केट है। जो मैंने व्यू दिखाया था आपको वो आगे का, इधर से घूम के जाने से आपको दिख जाएगा। ये ढाबा है ये, और यहाँ पे देखिए सभी ब्लॉगर्स और राइडर्स के स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो अपने आप अपने पहचान सकते हैं अगर आप यहाँ लगा के गए हैं, या अपने किसी जानने वाले राइडर्स के। इस तरफ भी है,
ये देखिए GSN का भी लगा हुआ है, जिनको तो मैं पहचान पा रहा हूँ, GSN के राइडर के लगे हुए हैं। दूर से कुछ ऐसा दिखता है ये रेस्टोरेंट ढाबा, बहुत ही प्यारा है, अच्छा खाना है, मैं टेस्ट किया, ट्राई किया। चल रहे हैं हम लोग, और देखा आपने हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, अब हम चलते हैं अब कल्पा की तरफ। यहाँ से 165 किलोमीटर है और कम से कम हमें 4 घंटे लग जाएंगे, तो चलिए। आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को, दिखाता हूँ अभी, ये है नज़ारे। आई थिंक सो ये सतलज है, पहाड़ियाँ दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ की। वाह, सबसे पहले तो साउंड कितना अच्छा लग रहा है पानी का, उसके बाद ये वादियाँ, कितने ऊपर ऊपर देख सकते हो पहाड़ हैं, ये देखो क्या ही नज़ारे, मज़ा आ गया, मज़ा। ये है कुछ नज़ारे, और उधर है झरना, बट छोटा है, लेकिन हमने दूर से ही देख लिया, हम वहाँ जाना हमने मुनाजिब नहीं समझा, हम आगे दिखाएंगे आपको इससे भी बेटर, बहुत ही बड़े बड़े झरने। सुन पा रहे हो आप लोग, अभी दिखाता हूँ आपको जन्नत, ये चलो पास से दिखाता हूँ आपको नज़ारे। ये है नज़ारे वाटरफॉल के, देखिए गाइस कितना ही सुंदर है। और कल्पा के लिए हम निकले थे, तो इससे पहले थोड़ी सी आपको चेकिंग मिलेगी, आपको एंट्री करनी है बस, उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे आओगे तो ये ही नज़ारे मिलेंगे आपको। तो चलिए, हमारे दोस्त कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलते हैं आगे की तरफ। ये है वादियाँ, ये है ब्रिज, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत, आगे दिखाता हूँ आपको क्या है। ये है नदी और ये है ब्रिज। पहुँचे हैं दूसरे ब्रिज पे, शोंग तोंग ब्रिज, जो कि बहुत ही प्यारा है। सोंगतोंग ब्रिज के पास कुछ ऐसा है नज़ारा, देख सकते हो कितना बड़ा पत्थर है, कितना पानी को रोक रखा है उसने, देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितने पानी को रोक रखा है इसने। तो नाइट का खाना चल रहा है और हम कल्पा पहुँच चुके हैं, बाकी मैं आपको खाना खाने के बाद डिटेल में बताता हूँ क्या क्या हमारे साथ हुआ आज और कितना इन्जॉय किया हमने, बाकी तो आपने देखा ही। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, तो अपना प्यार देते रहिएगा। और अब हम यहाँ से कल्पा से निकलने वाले हैं, कल रात को काफ़ी हेडेक हो गया था इसलिए सो गए थे अपने रूम पे जाके, सो काफ़ी अच्छा लगा हमें, और आई होप आपने इन्जॉय कर रहे होंगे राइड को। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ये राइड है हमारी, वो डे डे की राइड हो रही है और नाइट में हम लोग रेस्ट करते हैं, तो आई होप आपको हर टाइम बाइक्स के ही सीन्स मिलेंगे, आपको वादियाँ देखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। साइट सीन वगैरह हम थोड़ा सा मनाली में जाके करेंगे, तो मनाली पे हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको, बताएंगे कब तक हम पहुँचते हैं मनाली, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें, तो बस आप इन्जॉय करिए, हम भी इन्जॉय करते हैं। तो आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होगी, सीरीज आती रहेगी तो सीरीज में बने रहिएगा, और आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही करना है आपको, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आपको शेयर करना है, और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं था ओम प्रकाश, ओपी का ब्लॉग से शाइनिंग आउट।